स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं राकेश, सब बात कर रहे हैं दोस्तों रियलमी के आने वाले एक और फोन की, जिसकी पीछे जो है क्वाड कैमरा का सेटअप होगा और मैन सेंसर यहां पर 64 मेगापिक्सल का होगा। फ्रेंड्स, माधव सेठ जो कि इंडिया रियलमी के सीईओ, उन्होंने एक ट्वीट करके यहां पर बताया कि क्वाड कैमरा के साथ 64 मेगापिक्सल का यहां पर कैमरा मिलेगा। अच्छी बात दोस्तों यह है कि नया फ्लेक्सिप सीपीयू स्नैपड्रैगन 855 प्लस भी इसके अंदर रहेगा। X50 का जो मॉडेम है क्वालकॉम का 5G का, वो भी इसके अंदर दिया जाएगा और भी काफी सारी स्पेसिफिकेशन जो है इसकी निकल के आ चुकी है, तो उन्हीं सब की बात में इस वीडियो में आपको यहां पर बता रहा हूं। लॉन्च अभी हो सकता है दोस्तों इस ईयर में, हो सकता है दीपावली के आसपास, हो सकता है फिर नेक्स्ट मंथ कभी भी हो सकता है, क्योंकि टीस कर चुका है और कंपनी पहले कुछ यहां पर बताती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है काफी सारी जानकारी हमारे पास यहां पर आ ही जाती है, तो उसी की बात इस वीडियो में हम कर लेते हैं जल्दी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जल्दी से कर लें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, और जल्दी से एक लाइक कर दें वीडियो को, काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर Realme X 5G के बारे में, काफी कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी। यहाँ पर 6.36 इंच की आपको फुल HD प्लस 200 के अंदर डिस्प्ले मिल जाएगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है प्रोटेक्शन रहेगा। डिस्प्ले जो है यहाँ पर प्योर व्यू है, नीचे की तरफ हल्की थी थोड़ी सी जो है यहाँ पर नोच मिल सकती है आपको जैसा कि एक्स के अंदर मिली, बाकी डिस्प्ले जो है फुल व्यू आपको यहाँ पर मिलती है। फ्लेक्सिप स्नैपड्रैगन दोस्तों 855 प्लस वाला जो है इसके अंदर यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि गेमिंग के लिहाज से भी इस फोन को देखा जा रहा है और 855 प्लस जो है यहाँ पर गेमिंग को काफी बखूबी से यहाँ पर रन कराता है। कस्टम कोर्स जो है इसके अंदर दोस्तों बनाए जा सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार के इसके अंदर जो है कोर्स दें। तो यहाँ पर कराया 485 प्राइम सीपीयू ये है, और क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2.96 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड पर ये रन करता है। तो इतनी स्पीड अगर मिल जाती है किसी स्मार्टफोन के अंदर आपको, तो मतलब बल्ले बल्ले वाला काम यहाँ पर हो जाता है। क्वालकॉम का X50 मॉडेम इसके अंदर है, तो लग रहा है कि 5G हो सकता है फोन अगर कंपनी दे तो। 5G मतलब अगर ये 5G हो जाता है तो काफ़ी अलग बात यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। रेडमी को पूरी तरह से बीट कर सकता है। वैसे भी जो Redmi K20 सीरीज निकल के आई है उसकी प्राइस जो है काफी ओवर अब की बार रही है, और Realme X की प्राइस जो है काफी सही है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। Adreno 640 का दोस्तों इसके अंदर सपोर्ट है, तो कुल मिलाकर जो है लग रहा है कि जो ऊपर का सेटअप, डिस्प्ले, CPU और GPU का सेटअप देखते हुए लगता है कि काफी कमाल का एक सेटअप यहाँ पर बन चुका है गेमिंग के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। बात कर लेते हैं दोस्तों रैम और रोम वेरिएंट की। एक वेरिएंट मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, 8GB और 128GB ऑन बोर्ड आपको स्टोरेज यहाँ पर मिलता है। 8GB की रैम के साथ आप काफी कमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ड्यूल नैनो सिम दोस्तों इसके अंदर डाली जा सकती है। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि मेमोरी कार्ड डलेगा कि नहीं डलेगा, क्योंकि यहाँ पर 128GB दे दी है, हो सकता है मेमोरी कार्ड डले या फिर नहीं भी हो सकता है कि मेमोरी कार्ड ना डले। यहाँ पर 4GB LTE दोनों सिम यहाँ पर सपोर्ट करती है, और सिंगल सिम में आप 5G का भी सपोर्ट यहाँ पर ले पाएंगे। दोस्तों आगे बात करें इसके कैमरा की, तो पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पर क्वाड कैमरा, वो भी AI वाला पूरा का पूरा सेटअप मिलता है। मैन सेंसर यहाँ पर दोस्तों 64 मेगापिक्सल का है, जो कि सैमसंग की तरफ से दोस्तों निकल के आता है। ISO सेल G1 वाला सेंसर जो इसके अंदर यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक सैमसंग के पास ही है 64 मेगापिक्सल का। दूसरा सेंसर है दोस्तों यहाँ पर जो है 16 मेगापिक्सल का, तीसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का, और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा क्वाड कैमरा का सेटअप पीछे की तरफ है, और साथ ही एक ड्यूल टोन LED फ्लैश लाइट भी इसके साथ यहाँ पर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है बढ़िया, और लेजर AI फॉक्स की यहाँ पर बातें हो रही है जो कि करने वाला है। और फ्रंट सेल्फी कैमरा दोस्तों पॉपअप के अंदर 24 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिलने वाला, ये भी जो है AI को बखूबी यहां पर सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर एक अच्छा सेटअप है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर भी दोस्तों डिस्प्ले के जैसा कि X के अंदर मिला Realme X में, वैसा ही इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। USB टाइप C के साथ क्वालकॉम की क्विक चार्ज भी इसमें मिल जाएगी दोस्तों। 27 वाट की यहाँ पर बातें हो रही हैं, अगर 18 वाट में मिलते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 3750 mAh की दोस्तों इसके अंदर बैटरी की बातें हो रही हैं, और प्राइस टैग की बात करें अभी तक जो प्राइस टैग हुई है वो हुई है दोस्तों 21,999 रुपये या फिर 90 रुपये जो भी है, 22,000 रुपये अभी तक इसकी प्राइस यहाँ पर टैग हुई है। अगर 22,000 रुपये में रियलमी ये वाला स्मार्टफोन यानी X5G लॉन्च कर देता है, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया किसी दूसरे स्मार्टफोन के बारे में यहाँ पर सोचने वाली है ही नहीं। कुल मिलाकर ये थी स्पेसिफिकेशन जो भी निकल के आई इसकी, मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और फ्रेश वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।